हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं दिल्ली, तो शाम के बज चुके हैं, 7 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ गांव में कितना उजाला है। 7 बजने वाले हैं, पूरा मतलब कि हरियाली नहीं है क्योंकि बारिश, क्योंकि क्या है ना, अभी पूरा मौसम बारिश का है ना, इसलिए कोई अभी हरियाली नहीं है। पूरा देखते हैं, आज हमारी ट्रेन है रात को 9 बजे, महामना एक्सप्रेस 22417 जो गाड़ी नंबर है। सो गाइस, चल रहे हैं सुल्तानपुर स्टेशन, वहाँ मुझे गाड़ी मिलेगी रात को 9 बजे, जो सुल्तानपुर से बनारस से बाद आती है। टाइमिंग सुल्तानपुर की टाइमिंग है 9 बजे, तो हमें सुबह दिल्ली, नई दिल्ली मुझे 8 बजे उतारेगी। अगर लेट नहीं होगी तो, अगर वैसे लेट हो जाती है, करीब 1-1.5 घंटे हो ही जाती है, तो 9 तो हो ही जाता कन्फर्म है। सो गाइस, चल रहे हैं पैदल, घर से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है 400-500 मीटर, वहाँ से फर्क नहीं, रिक्शा ई रिक्शा जो बैटरी वाली आता नहीं, जो शहर में चलते हैं, वही लेंगे, पकड़ेंगे, जाएंगे वहाँ कुड़वार, वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, ऑटो जिसे बोलते हैं, यहाँ यहाँ भी ऑटो बोलते हैं, ऑटो पकड़ेंगे तो मुझे सुल्तानपुर उतारेगा। वहाँ से थोड़ी दूर में स्टेशन है, स्टेशन हमारी गाड़ी आएगी रात में 9 बजे। सो गाइस, हमारी जर्नी वैसे स्टार्ट हो गई है। ये अपना बगीचा है पूरा, आप देख सकते हैं ये। सो गाइस, फ़िलहाल अभी मैं अपना सुरेश नगर मार्केट पहुँच चुका हूँ, लिफ्ट लेके बाइक से यहाँ सुरेश नगर तक आया। अब यहाँ देखता हूँ कोई अगर ऑटो या टैक्सी मिलता है कुड़वार तक तो बढ़िया हो जाता। वैसे मिलता रहता है कोई ना कोई साधन, बट अभी कोई साधन हमें मिला नहीं, कोई सवारी मिली नहीं, ना कोई रिक्शा। देखते हैं कोई बाइक वाले, यहाँ तक आ गया हूँ सुरेश नगर तक, उसके आगे तक लिफ्ट ले लूँगा बाइक या किसी से भी, पहुँच जाऊँ कुड़वार मार्केट। अभी थोड़ा अभी तो पैदल ही चल रहा हूँ, देखता हूँ कोई अगर आता है साधन पकड़ते हैं, नहीं तो अपना आइए पैदल निकल चलेंगे धीरे धीरे। सो गाइस, अभी चल रहे हैं पैदल ही जा रहे हैं अभी, तो सुरेश नगर मार्केट क्रॉस कर दिया, ये पीछे हमारी सुरेश नगर मार्केट है। थोड़ा बहुत पैदल चल रहे हैं परिवार की ओर, भाई ऐसा कुछ सीन है हमारे यहाँ का मार्केट का, आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग मैंने बनाया है मार्केट का। भाई एक भाई साहब मिल गए हैं लिफ्ट बाइक, ये रही बाइक, लिफ्ट लेने परिवार तक अपना, ये बाइक थोड़ी बार तक चलते हैं, वहाँ से ऑटो लेते हैं। अरे बस ऐसे वीडियो थोड़ा बनाई थे, तो भाई साहब मिल गए। सो गाइस, फाइनली अभी हम इस समय कुड़वार मार्केट आ चुके हैं, ये अपना कुड़वार मार्केट है पूरा, पीछे देख सकते हैं व्यू कुड़वार मार्केट की, ये हमारी मार्केट है। यहाँ से सारा कुछ सामान वगैरह हम लोग यहीं से लेके जाते हैं, सारा पीछे कुड़वार मार्केट ही अपना। तो भाई, जब यहाँ से थोड़ा पास में एक टैक्सी स्टैंड कुड़वार का, यहाँ से भी ऑटो पे लेंगे, ऑटो पकड़ के सुल्तानपुर निकलेंगे। यार हमारी इच्छा थी यहाँ का टिक्की खाने का, यहाँ का टिक्की खाने का, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो भाई अब क्या करें, लास्ट टाइम टिक्की खाने का मन था, ख़त्म हो गए, क्या करें, अब जाना पड़ा टिक्की। यार इच्छा थी, मैं सोचा खा के यहाँ निकलूँगा, बहुत बढ़िया बनाते टिक्की यहाँ भाई साहब, जब आता हूँ तब यहाँ खा के जाता हूँ। चलो यार, फिर मिलते हैं, कभी आएंगे फिर खाएंगे, ठीक है भाई, अब ऐसे जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया टिक्की बनाते हैं, परिवार की फेमस टिक्की है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ जो भी अगर इधर से गुजरेगा मार्केट से इधर से, यहाँ से ज़रूर खा के जाता है। मैंने सोचा मैं भी यहाँ से खा के निकलूँ, लेकिन बट ख़त्म हो गई, 7 ही बजे ख़त्म हो गई, 7:15 बज रहे हैं टिक्की समाप्त, ये समय को कितनी मतलब बिक्री होती है टिक्की आलू की जो बनती है। चलते हैं वैसे, अब देखते हैं कुछ वहाँ तो कहाँ पर कुछ ना। फाइनली हम कुड़वार से निकल चुके हैं, ऑटो बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप ये ऑटो कुड़वार मार्केट से। तो वैसे फाइनली हमारी गाड़ी कुड़वार टैक्सी स्टैंड से निकल चुकी है सुल्तानपुर के लिए। वैसे वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, अंधेरा है वीडियो बनाने में, हाँ शहर जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो चल रहे हैं सुल्तानपुर मिलते हैं।
सो गाइस फाइनली हम सुल्तानपुर टैक्सी स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है रेलवे स्टेशन। सो गाइस पैदल चलते हैं स्टेशन की ओर। सो गाइस एक गांव छोड़ने का मन नहीं करता अपना घर, तो एक नौकरी है जिसके लिए इंसान अपना घर वगैरह छोड़ता है, शहर जाता है नौकरी करने के लिए। तो बस हम भी निकल चुके हैं शहर की ओर जा रहे हैं। छुट्टी बीत गई दो दिन की, शहर की ओर निकल रहे हैं दिल्ली सुबह मॉर्निंग, अपनी राजधानी दिल्ली पहुँचेंगे। तो ऐसा कुछ हाल है, क्या किया जाए, कमाना है तो गांव छोड़ना है, वरना तो घर पे रहोगे तो क्या है, खाली रहोगे तब भी बेकार ही है। पैसे है तो आज के समय में पैसे है तो सब कुछ है, तो इसलिए इंसान पैसे के लिए कमाने के लिए अपने जीवन बेहतर करने के लिए शहर जाता है। बस हम भी निकले हैं कमाने के लिए, तो बस ऐसा है क्या किया जाए, चल रहे हैं स्टेशन। अब हम आपको स्टेशन पर मिलते हैं। सो गाइस ये रहा रेलवे स्टेशन का बैक साइड का एंट्री गेट है। सो गाइस चलते हैं स्टेशन के अंदर या प्रवेश द्वार। इसके सामने इसके आगे भी एक एंट्री गेट है, तो ये दूसरा वाला है, चल रहे एंट्री कर लिए। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4। सो गाइस ये ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का सीन। ये हमारे लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, तो हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। सो गाइस ऐसा अभी मालगाड़ी लगी है उसके आप बगल में है, तो चलते हैं आगे वो है। सो गाइस ये रहा पूरा साफ सुथरा है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4। टाइम हुआ है आप देख सकते हैं 8:12, हमारे भी टाइम है कम से कम 45 मिनट टाइम है, 9 बजे करीब 9 बजे आएगी ट्रेन। काफ़ी जा रहा हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हूँ, क्रॉस करके जाऊँगा। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम है, अभी 1 घंटे टाइम है पूरा ट्रेन आने में। तो अभी जाऊँगा फ्रंट साइड मेन सामने जाऊँगा स्टेशन के जो फ्रंट है, तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा घूम घाम के थोड़ा बहुत कुछ खावा के उसके बाद आऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिस पर हमारी गाड़ी लगेगी महामना एक्सप्रेस 22417 जो बनारस से बनकर सीधा सुल्तानपुर निहालगढ़ बरेली उसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद उसके बाद नई दिल्ली स्टॉपेज है सुबह 8 बजे का। अगर लेट नहीं होगी, अगर लेट हो जाती है तो मान के चलो 9, ज़्यादा 1-1.5 घंटे लेट होती है 9:30 नहीं मैक्सिमम 10 बजे तक पहुँचा देगी हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो गाइस चलते हैं सामने साइड स्टेशन के। सो गाइस ये रहा हमारा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, ये फ्रंट साइड है। सो आप देख सकते हैं मैं अभी फ्रंट साइड आया हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने कुछ खा पी के उसके बाद स्टेशन पर जाऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर। सो गाइस कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आप देख सकते हैं, हो सकता है मेरे ख्याल से वही अमृत भारत योजना के तहत जो रेलवे स्टेशन आया उसी के तहत काम वगैरह चल रहा है आई थिंक। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ लिखा नहीं गया है तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सो गाइस कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आप देख ही रहे हैं, ये अपना सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है। सो ऐसा कुछ सीन है हमारे रेलवे स्टेशन का। तो भाई यहाँ से एक मैंगो जूस एक गिलास पी के यहाँ निकलता हूँ, फ्रेश बना हुआ है ना आज ही का ना, आज ही बना हुआ सारा बस। हाँ ऐसे एक गिलास पी के निकलते हैं फिर स्टेशन की ओर, कुछ एनर्जी हो आ जाए। ये आप देख सकते हैं पूरा मैंगो जूस। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडा है, चिल्ड है पूरा, बहुत टेस्ट है, मीठा है। पूरा फ्रेश बना रहे चाचा मैंगो जूस, ये जो है स्टेशन के बाहर है सामने। सो गाइस आ गई महामना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। सो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे महामना एक्सप्रेस में कितनी भीड़ है, ये बनारस से बन के आ रही है, अभी पूरा थूसम थूस लग रहा है कि वेटिंग
बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, हमारी गाड़ी सुल्तानपुर से निकल चुकी है महामना एक्सप्रेस 22417। इसका नेक्स्ट स्टॉप है निहालगढ़, उसके बाद है बरेली, निहालगढ़ के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद बरेली, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर नई दिल्ली। तो भाई बाय बाय सुल्तानपुर। सो गाइस, सुल्तानपुर के बाद नेक्स्ट स्टॉप यही निहालगढ़ है, महामना एक्सप्रेस जो कि निहालगढ़ स्टेशन पर पहुंच चुकी है, करीब पहुंच ही गई है। आप देख ही सकते हैं स्टेशन है, और ये गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, स्टॉप होने वाली है। सुल्तानपुर के बाद इसका स्टॉप है निहालगढ़ है। सो गाइस, गाड़ी अब निहालगढ़, से गाड़ी क्रॉस कर रही है। 2 मिनट का स्टॉप है निहालगढ़ में, प्लेटफॉर्म से छूट रही है। सो गाइस, अब ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मिलते हैं। ओके, अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. So guys, हमारी गाड़ी महामना एक्सप्रेस गाजियाबाद पे आ गई। आप देख ही सकते हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन है। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, 7:25 सुबह है, गाड़ी आके लग चुकी है। वैसे राइट टाइम है, डिले 1 मिनट भी नहीं है। दिल्ली का पहुंचने का टाइम है ये 8 बजे का, यहाँ से आधे घंटे लग जाएंगे दिल्ली पहुंचने में। तो गाइस, ऐसा कोई स्टेशन है गाजियाबाद का। हमारी ट्रेन गाजियाबाद से निकल चुकी है, इसका स्टॉपेज 2 मिनट का था गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। महामना एक्सप्रेस 22417 इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉपेज है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आप देख सकते हैं गाजियाबाद का सीजन। तो गाइस, मिलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस, हमारी महामना एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे आप देख ही सकते हैं इसकी स्पीड क्या है। सामने स्टेशन दिखाई दे रहा है अभी। सो गाइस, ये रहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली कौन से प्लेटफॉर्म पे लगती है, अभी तो आउटर पे चल रही है। सो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है हमारी महामना एक्सप्रेस 22417। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. हमारी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन महामना एक्सप्रेस 22417 आ चुकी है। अब यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ से बनकर भी चलती भी है, और उधर से बनारस से आती भी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगती भी है। सो भाई, अब चल रहे हैं स्टेशन के बाहर, पकड़ते हैं मेट्रो, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस, ब्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।